हेलो एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड योर फैमिली एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एन टी एस सी एग्जाम सो लेट्स बुस्ट प्रिपरेशन विद फ्यू मोर क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या कहता है ये रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ठीक है वी हैव टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी और इसमें से जो सही है वो हमें चूज़ करना है तो इस स्टेटमेंट क्या कहता है कि वेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक्स प्लेस ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिल्कुल ठीक है कि जब भी किसी ऑर्गेनिजम या एनिमल की बॉडी अगर बड़ी हो जाती है साइज उसका बड़ा होता है तो इस केस में जो सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर है वो सिर्फ अलोन सफिशेंट नहीं है कि पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके ये छोटे एनिमल्स में वाइबल होता है सिर्फ ठीक है तो ए इज टू बी कहता है कि इन ह्यूमन बींगस द हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स अब हीमोग्लोबिन कहां होता है आरबीसी तो में ठीक है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ठीक है तो ह्यूमन बींग्स हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यू विच आर डेफिशियंट इन ऑक्सीजन ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है इसमें जो मेजर ट्रांसपोर्ट है ओ टू का वो हीमोग्लोबिन के थ्रू किया जाता है सो so, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है सो वी विल चूज थर्ड ऑप्शन दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वी हैव असरसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन तो असरसन क्या है प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ठीक है कि जो प्लांट्स हैं वो सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं ये बिल्कुल ट्रू भी है क्योंकि प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऐसे सच कोई ऑर्गन है नहीं उनके पास रीज़न कहता है कि द तो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर्स ऑफ ओवन गैस एक्सचेंज नीड क्योंकि हर एक जो प्लांट पार्ट है वो अपने खुद के नीड को खुद से ही कंप्लीट करता है ठीक है तो ये भी बिल्कुल ठीक है तो बिकॉज ए भी ठीक है और बी भी ठीक है बट वी हैव टू फाइंड आउट की रीजन कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है सो जस्ट वॉट वी डू लेट सपोज जस्ट प्लेस बिकॉज बिकॉज आफ्टर दसर्शन ठीक है सो वी कैन सी प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट सेपरेट रेस्परेटरी ऑर्गन बिकॉज ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर इट्स ओवन एक्सचेंज नीड ठीक है तो बिल्कुल सिटमेंट फिट बैठ रहा है इसका मतलब ए भी ठीक है और आर भी ठीक है और आर जो है वो ए को सेटिस्फाई भी कर रहा है ठीक है सो वी विल चूज अगेन थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है चलिए और एक चीज और याद रखेंगे कि जो ये ओवन गैस एक्सचेंज नीड की बात हो रही है तो वी नो एक तो स्टोमेटा है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है द सेकेंड इंज इज लेंटी सेल्स ठीक है लेंटी सेल्स आर देर सो लेंटी सेल्स आर नॉट एनी काइंड ऑफ सेल दीज आर दोर्स दैट आर फाउंड ऑन दी फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट ठीक है तो जिनके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है ठीक है सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड लेट्स सी द नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू के साथ सो so, फर्स्ट कहता है ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन पहले कहाँ से मिलता है सेकेंड है ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन वी शुड नो उसके बाद है वेसोप्रसिन और उसके बाद है मेलोटोनिन ठीक है अब इसमें से लेट्स सपोज अगर जैसे बी का मान लेते हैं तो वी नो कि जो ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन है ठीक है दैट इज अम्पॉर्टेंट हॉर्मोन फाउंड इन देंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल फीमेल एल एच हॉर्मोन ठीक है तो एल एच हॉर्मोन ये करवाता है so तो बी का फिफ्थ ठीक है और अगर हमने बी का फिफ्थ मैच कर लिया तो नाउ वी कैन सी कि बी का फिफ्थ जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है ठीक है सो हाउ इजी बाकी किसी को सर्च करने की जरूरत नहीं है सो जस्ट ऑफ ऑल वी विल चूज़ फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि बी का जो फिफ्थ सिर्फ एक में अवेलेबल है बट मैच कर लेते हैं ऑक्योटोसिन का थर्ड हेल्प uh, करता है पाचोरेशन के टाइम में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में बी का फिफ्थ हो गया सी का फर्स्ट बेसोप्रोसिन जो कि आपका ए डी एच की तरह ए डी एच इसका सेकेंडरी नेम uh, है तो रीअबज्शन ऑफ वाटर और मेलाटोनिन जो है वो करता है रेगुलेशन ऑफ डायर्नल रिदम ऑफ आर बॉडी ठीक है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए तो सिर्फ एक ही पता होने से हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया लेट्स सी द नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर थर्टी ये कहता है कि द रेसिव कैरेक्टर इन पी प्लांट इन द फॉलोइंग ठीक है तो ये बिलोंग करता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने सेवन करेक्टर्स की स्टडी की थी सो अभी शुड नो की सभी सातों सातो केैक्टर्स में पता होने चाहिए और कौन उसमें कौन से करेक्टर जो रेसेसिव था कौन सा डॉर्व था ये पता होना चाहिए सो वी कैन सेयर यहाँ पे ये टेबल फॉर्म में अवेलेबल है दीज द दैक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल चाहे वो स्टेम हाइट है सेकेंड इज फ्लार कलर थर्ड इज फ्लार पोजिशन दैन पॉड शेप पॉड कलर सीड शेप एंड सीड कलर डोमिनेंट इसमें से टॉल यहाँ डोमिनेंट वॉयलेट ये एक्सियल इन्फ्लेटेड ग्रीन राउंड एंड येलो डॉर्फ रसेसिव है वाइट कलर जो है फ्लार का वो रसेसिव है फ्लार की जो टर्मिनल पोजिशन है वो रसेसिव है पॉड की शेप जो कंस्ट्रिक्टेड है वो रसेसिव है ऐसे येलो रिंकल्ड और ग्रीन ठीक है सो ये है और अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो वी कैन सी कि यहां पे जो जो ग्रीन सीट दिया हुआ है ठीक है यही जो है एसेसिव करेक्टर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ठीक है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर लेट्स सी द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अगेन ये फिर से जो है असर्सन एजन का वेंट्रिकल्स आर थिकर देस ऑफ दल्स बिल्कुल ट्रू है ठीक है क्योंकि दिस इज द राइट एट्रियम राइट वेंट लेफ्ट लेफ्ट वेंट वेंट so, वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सो जो वेंट्रिकल्स है वेंट्रिकल्स को जो है लेट्स सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट वेंट्रिकल तो राइट right वेंट्रिकल को जो है ब्लड को पोर करना है पलमंड्री आर्टरी के अंदर ठीक है सो दीज मसल्स आर थिक क्योंकि प्रेशर के साथ उनको कॉन्टेक्ट करती हैं ये तो जहाँ भी जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी थिक होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और ब्लड जो है उतनी आसानी से पंप हो पाएगा तो असर बिल्कुल ट्रू है द रीज़न द वेंटिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेरियस ऑर्गन्स ठीक है ये इसका रीज़न है कि जो वेंट्रिकल्स है वो थिक क्यों है क्योंकि ये उनको जो है ब्लड को ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक पंप करना होता है तो ये भी ठीक है लेकिन ऑप्शन में हमारे पास है कि जो आर है वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है ठीक है तो अगेन हम वही अपनी ट्रिक लगाएंगे ठीक है वी विल प्लेस बिकॉज बिकॉज लगा देंगे सो द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल बिकॉज द वेंट्रिकल्स हैव टू टू पंप ब्लड लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेरियस ऑर्गन्स ठीक है तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है इसका मतलब जो आर है वो ए एक को एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इसमें ए भी नहीं है सेकंड भी नहीं है थर्ड ट्रू एंड आर एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक है थर्ड ऑप्शन ठीक है तो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर थर्ड आ जाएगा इसका भी ठीक है चलिए लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अगेन जो है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है थोड़ा सा जो है कि द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स कंटामिनेशन बाई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है इसमें से कौन सा जो है बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है तो वी कैन कंक्लूड की जो वाटर है आपका अब पॉल्यूटेड हो चुका है ठीक so right है सो इसका राइट आंसर है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ठीक है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सो वो वाटर जो है आपका कंटामिनेशन होता है लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी ए कहता है कि द इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फेनोमिना बाई विच प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। ट्रू ठीक है बिकॉज वाटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड सरफ़ेस। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड सरफ़ेस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्शन तो वहाँ पर इम्बाइबेशन का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके बाद कहता है कि द रप्चर ऑफ सीड कोट इन जर्मिने जर्मिनेटिंग सीड इज़ ड्यू टू इम्बाइबेशन ठीक है तो ये भी ठीक है कि जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सीड की ठीक है उसकी जो रप्चरिंग है उसकी रप्चरिंग के लिए जो है इम्बाइबेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है बिकॉज एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन ठीक है तो ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट वो यहाँ पे ठीक है ठीक है सो विल चूज द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एज एंड बी एज वेल एज ठीक है दोनों ही सही है ए अलॉन्ग विद्रू लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट क्लोरोफिल कि क्लोरोफिल के बारे में स्टेटमेंट जो है ट्रू है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्लोरोफिल इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट बिल्कुल ठीक है बिकॉज क्लोरोफिल जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं ठीक है जिसको वी कॉल पार जिसकी रेंज होती है 400 हंड्रेड टू सेवन नैनोमीटर तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है कि क्लोरोफिल इज हाइली सेंसिटिव टू लाइट सेकेंड है देर आर वेराइटीज इन क्लोरोफिल कि क्लोरोफिल में अलग अलग वरायटीज़ होती हैं विनो क्लोरोफिल ए इज देयर बी इज देर सी इज देयर डी देयर ई ठीक है तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है जो सी है द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द प्लांट टू लाइट ये स्टेटमेंट गलत है इसने बोला डज नाट जबकि जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिफिल है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सो सी इज़ रॉन्ग डी कहता है न्यूट्रिशनल डिफिशियज ऑफ मिनरल्स कॉज ए लॉस ऑफ क्लोरोफिल बिल्कुल ठीक है बिकॉज यू नो मैग्नीशियम आयन्स जो है दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दी क्लोरोफिल। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो ओबियस ही बात है क्लोरोफिल का लॉस होगा तो डी भी आपका ए uh, भी ठीक है बी भी ठीक है और डी भी ठीक है सो वी कैन चूज़ येस सेकेंड ऑप्शन है कि ए भी ठीक है बी भी ठीक है और डी भी ठीक है लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कहता है कि हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स कि मेल्समोफीलिया जो है वो ज्यादा कॉमन है मेल्स में बिकॉज नाउ वी नो कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और ये रेसेसिव होता है इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर है एक तो सेक्स लिंक्ड है दूसरा रिसेसिव है और तीसरा इसके जो जीन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम द जीन ऑफ द हिमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम ठीक है तो आ, वी कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि द रिसेसिव करेक्टर बिल्कुल ठीक है बट वाई क्रोमोजोम बोला इसने ये गलत है डोमिनेंट नहीं है ठीक है डोमिनेंट ट्रेट करेट बाय द एक्स क्रोमोजोम ये गलत है ये सही है और यहाँ पे रेसेसिव ट्रेड और बाय एक्स क्रोमोजोम, ये ठीक है बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट ऑप्शन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स इस बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफी ज़्यादा है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन स्टेटमेंट कहता है इथ प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग बिल्कुल सत्य है नो इथलिन इज अ गैसियस हार्मोन ये भी याद रखेंगे इथालियन इज अ गैसियस हार्मोन एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर इथैलिन इज गैसियस हार्मोन एज वेल एज ठीक है गैसियस हार्मोन है एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर है ये और फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है बिल्कुल ठीक है सेकंड है जिबरलिन आर यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक ठीक है ये स्टेटमेंट भी ठीक है सो ए एंड बी बोथ आर ट्रू और ये कहां पे अवेलेबल है यस थर्ड ऑप्शन ठीक है ए स्टेटमेंट भी ठीक है और बी भी ठीक है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ ए एंड बी आर ट्रू लेट्स सी द नेक्स्ट दैट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस फोर ए बी सी एंड डी ठीक है इसमें से कौन सा सही है सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है द प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बिल्कुल ठीक है बोन मैरो में दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मैगा कैरियोसाइट मैगा मेगा कैरियोसाइट्स ठीक है जिनसे जो है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ठीक है फिर कहते हैं हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये गलत है ठीक है जब कभी भी हिमोग्लोबिन कंबाइन तो ऑक्सीजन से देन इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है ये बनाता है हीमोग्लोबिन ना कि हीमोग्लोबिन सो बी इज़ रॉन्ग सी कहता कैल्शियम आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल ठीक है ए भी ठीक था सी भी ठीक है और डी फाइब्रिंस आर फोन्ड द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक है सो ए सी एंड डी दीज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू सो लेट्स सी द ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है तो ए बी सी ए सी और डी ठीक था ए वो सी एंड डी बी हमारा गलत था तो यहाँ पे तो बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है सिर्फ यही एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे बी अवेलेबल नहीं है और सारे प्रेजेंट हैं ए सी एंड डी सो द राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन लेट्स सी द नेक्स्ट देट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कहता कि अ फार्मर बॉन्ड्स टू सेव हिज क्रॉप्स फ्रॉम हैवी रेन एंड लाइक्स टू हैव अर्ली फ्लारिंग ठीक है अर्लिंग फ्लारिंग जो है करना चाहता है तो नो अर्ली फ्लारिंग के लिए वी यूज अ टेक्निक कॉल्ड वर्नेलाइजेशन ठीक है इसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू शूट एपेक्स तो शूट प्लांट का जो शूट पार्ट होता है उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीक है जिससे वर्नेलिन हॉर्मोन है उसकी सिंथेसिस होती है और फ्लारिंग जो है वो जल्दी हो पाता है ठीक है सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर टू वर्नेलाइजेशन लेट्स सी द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर जीरो क्वेश्चन नंबर फोर में अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स ए एंड आर सो ए कहता है कि द तो, जेनेटिक वेरिएशन इज डिसएडवांटेज टू पॉपुलेशन ये चीज गलत है ठीक है नो जेनेटिक वेरिएशन जब कभी भी प्रेजेंट होता है तो वो उस पॉपुलेशन के मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने के लिए हेल्प करता है ठीक है तो ये गलत है इसलिए तो एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज, हार है इट डजेंट इनेबल एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल टू अडेप्ट एनवायरनमेंट फिर से वही बात आ गई तो ये भी जो है आपका गलत है ठीक है सो दोनों गलत हैं ए भी गलत है और आर भी गलत है ठीक है और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है ऑप्शन नंबर टू दैट इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स ठीक है so, सो विल चूज ऑप्शन नंबर टू लेट्स सी द नेक्स्ट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अच्छे से प्रिपरेशन करें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच